एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल वॉज स्टैब्लिश्ड इन डैश। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट है इंडिया का, जहां पे जिसके प्रमाइसेस पे जो है स्टैब्लिश किया गया है साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज केपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपका बैंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, अब इसे हम BIAL के नाम से भी जानते हैं, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है कुंस GmbH एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, जो जर्मनी का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली ऑफर करेंगे डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग अंडर दी ट्रेनर प्लस प्रोग्राम, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय दी ICAO, जो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव फॉर इशूइंग सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स अंडर दी फॉरन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है, जिसका मेन काम क्या है कि ये बेसिकली स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली जो है इशू कर देगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब जो ये सिस्टम है बेसिकली इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर एक्सपोर्टर्स टू अप्लाई फॉर अ स्टेटस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड, दैट इज DGFT। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर हैज इंट्रोड्यूस्ड सेरोगेसी कवर एंड ओसेट डोनर कवर टू इट्स विमेन सेंट्रिक पॉलिसी एट अ नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर अ पॉलिसी होल्डर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो है इंट्रोड्यूस किया है सेरोगेसी कवर या ओसेट डोनर कवर? ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन सी पॉलिसी के लिए जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। नाउ जो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस है, इसके करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, इनका नाम है आनंद रॉय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। नाउ नेक्स्ट इज, द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IIFCL हैज सेंक्शन लोन वर्थ ₹10 crore फॉर एयरपोर्ट एंड सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जो IIFCL है ये बेसिकली इंडिया की मेजर एयरपोर्ट फाइनेंसर है, जिसने सेंक्शन किया है यहाँ पे 8,800 crore का लोन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर हम IIFCL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है पद्मनाभान राजा जयशंकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एयरपोर्ट दैट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू कमीशन अ डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट टू हेल्प स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इसे आपका कमीशन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो आपका मुंबई में है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये किट है इसका मेन काम क्या है, ये बेसिकली डिजाइन की गई है जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उनको लिफ्ट करने के लिए या टो करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रेफिसन यूनियन, ठीक है, दैट इज IRU बोर्ड फॉर द सेकेंड टर्म। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज नंदिनी आजाद जो है इन्हें री इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रेफिन यूनियन का, जिसका हेडक्वार्टर आपका है जर्मनी में। ठीक है, इट इज इन दी बॉन जर्मनी एंड इसे 1968 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे बात हुई थी कि सेकेंड टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया गया है, तो इनका जो फर्स्ट टर्म था ये कब इलेक्ट हुई थी उसके लिए, तो 2018 में इनको इलेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, एंड ये फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट वुमेन बनी थी इस पोस्ट में जिनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो नंदिनी आजाद है ये करेंटली प्रेजिडेंट है इंडियन कॉरपोरेटिव नेटवर्क फॉर वुमेन की, साथ में ही शी इज ऑल्सो अ प्रेजिडेंट ऑफ अ वर्किंग वुमेन फोरम, दैट इज WWF इंडिया। इसके साथ साथ ये चेयरपर्सन भी है इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक कमिटी ऑफ ऑन वुमेन की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि जो IRU प्रेसिडेंट है वो उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम है क्या है, गाय हॉफमैन, और इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रैंकी डेपिकर को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया था नेशनल कॉरपोरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया
के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है दिलीप भाई शंघाई, इनको रीइलेक्ट किया गया है किसके लिए, एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ IRU। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हैंगजो एशियन गेम्स 2022। आप सभी को पता है एशियन गेम्स आपके कहाँ हुए थे, हैंगजो चाइना में हुए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडिया फिनिशेस फोर्थ इन अ मेडल टैली ऑफ अ हैंगजो एशिया गेम्स 2022 विद अ 107 मेडल वाइल चाइना टॉप्स द लिस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हांगजू एशियन गेम्स थे उसमें इंडिया की रैंक थी फोर्थ रैंक और इंडिया ने यहाँ पे 107 मेडल जीते थे। ठीक है, जिसमें 28 जो है वो गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे एंड आपके 41 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया कि चाइना ने टॉप किया था। सेकेंड नंबर पे आपका कौन सी आपकी कंट्री थी, तो जापान थी सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड पे आपकी थी साउथ कोरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द एथलेटिक्स 29 मेडल्स फॉलोड बाय शूटिंग 22 मेडल्स एंड आर्चरी 9 मेडल्स। थर्ड स्टेटमेंट सेज द 78 इंडियन प्लेयर्स गेट पेरिस 2024 ओलंपिक कोटास थ्रू द हैंगजू एशियन गेम्स 2022। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द ओजस प्रवीण द्योतले बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन द 3 गोल्ड मेडल्स इन द एशियन गेम्स। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज अविनाश साबले बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन द 3000 मीटर मेंस स्टीपलेशस इवेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द एशियन गेम्स 2022? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो यहाँ पे टोटल 74 इंडियन प्लेयर्स है जिन्होंने क्वालिफाई किया है आपका पेरिस 2024 के ओलंपिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडिशन भी इसका पूछा जा सकता है, इट वॉज दी 19th एडिशन। अब जो इसका 20th एडिशन होगा, नेक्स्ट एडिशन होगा, वो कहाँ पे होगा, वो आपका जापान होस्ट करेगा। ठीक है, जापान में वो हेल्ड होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ एशियन गेम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था बाय दी स्विफ्ट कौर समरा, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल में, और इनका स्कोर कितना था, इट वॉज 469.6 स्कोर इनका यहाँ पे था। और इन्होंने इनसे पहले ये स्कोर था जांगजी क्योंग्यू जो आपके चाइना के प्लेयर हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, शूटर्स आर्चरी प्रताप सिंह तोमर स्वप्निल कौसले एंड अखिल सिरोंग क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द मेंस राइफल 3P टीम इवेंट। इन्होंने भी यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ साथ किरण बलियान जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने यहाँ पे एशियन गेम्स में मेडल जीता है शॉटपुट में। ठीक है, 72 ईयर्स में ये पहली बार ऐसा देखा गया है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं, जो संजना बथुला है ये यंगेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने एशियन गेम में मेडल जीता है एंड इनकी एज कितनी है, इट इज 15 ईयर्स 3 मंथ एंड 11 डे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ओल्डेस्ट इंडियन है जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है जिनका नाम है जैगी शिवदसनी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस इवेंट से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे जो ये आपका एशियन गेम था ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, हांगजू में हुआ था, और ये थर्ड आपकी चाइनीज सिटी है जिसने एशियन गेम्स को जो है होस्ट किया है। ठीक है, इससे पहले बीजिंग में हुआ है आपका 1990 में एंड ग्वांगजू 2010 में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 19th एडिशन के मोटो की बात करें तो ये आपका मोटो क्या था, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। एम्बलम इसका था सर्जिंग टाइटल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टॉर्च नेम यहाँ पे आपका था इटर्नल फ्रेम एंड मैस्कॉट इंपॉर्टेंट होता है, इस पे बेस आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे तीन मैस्कॉट थे आपके, ये तीनों मैस्कॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इनका नाम क्या है, मेमोरीज ऑफ जिंगेन। ठीक है, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट एडिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो 20th एडिशन होगा ये आपका कहाँ पे होगा, ये होगा आपका जापान में 2026 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारे विनर्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें यहाँ पे सिल्वर ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर आप इसे PDF से भी पढ़ सकते हैं जो मैं आप शेयर करूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड डायलेक्सिया डे, द वर्ल्ड डायलेक्सिया अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 8th ऑफ अक्टूबर को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, इट इज यूनिकली यू। क्या थीम थी, यूनिकली यू। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो डायलेक्सिया अवेयरनेस वीक है ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर का जो पहला फुल वीक होता है उसमें
जो है डायलेक्सिया अवेयरनेस वीक हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड इस बार हमने 2nd to 8th of October को इसे ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा यहाँ पे डायलेक्सिया अवेयरनेस मंथ भी है जिसको आपको याद रखना है, विच इज अक्टूबर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द उत्तराखंड यूथ महोत्सव 2023 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट देहरादून इन उत्तराखंड 2023। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सीएम है आपके उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट डेवलप्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द उत्तराखंड ऑन अ सिंगल पोर्टल। सेकेंड स्टेटमेंट इज ही ऑल्सो लॉन्च द युवा उत्तराखंड ऐप, इन्होंने एक युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च की थी टू मेक स्कीम्स रन बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स अवेलेबल एट द वन प्लेस, एंड दिस ऐप वॉज डेवलप्ड बाय द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द इवेंट द उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड IIT रुड़की साइन एन MOU टू यूटिलाइज द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ IIT रुड़की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स मैन पावर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके अलावा दो और MOU यहाँ पे जो है साइन किए गए थे इस युवा महोत्सव में, जैसे उत्तराखंड का जो स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया है। अब इस MOU के तहत जो आपके स्टूडेंट्स हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनको डिजिटल स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे जो नर्सेज हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड की नर्सेज हैं उन्हें यहाँ पे जॉब्स के लिए MOU यहाँ पे साइन किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा किनके साथ, एनवर्ड्स कंसल्टेंसी के साथ, जो इंग्लैंड एंड इसराइल में जो नर्स ट्रेनी है उनको यहाँ पे ऑफर करेंगे एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो जेनराइज ग्लोबल है, ठीक है, ये भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे नर्सेस को इन दी जर्मनी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश अनवील्ड अ डैश फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ 8th century वैदिक स्कॉलर एंड टीचर आदि गुरु शंकराचार्य ऑन दी मधाता हिल लॉक इन ओमकारेश्वर खरगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इस स्टैच्यू की हाइट पूछी गई है, इट इज 108 feet, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये जो स्टैच्यू है इसे किस नाम से जाना जाएगा, स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे जो ये स्टोन स्कल्पचर है ये किसने बनाया है या इस पे किसने काम किया है, तो भगवान रामपुरे एंड पेंटर वसुदेव कमात ने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। अब इसे ये जो आपका स्टैचू है इसे इंस्टॉल किया गया है 16 foot टॉल स्टोन लोटस पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रेशियो इंपॉर्टेंट है मेटल्स का, विच इज 88% यहाँ पे कॉपर यूज किया गया है, 4% जिंक एंड 8% यहाँ पे टिन यूज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल कास्टिंग है ये आपकी कहाँ से करवाई गई है, नांगचांग सिटी ऑफ चाइना से, ठीक है। यहाँ पे आप स्टैच्यू देख सकते हो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन अ केमिकल सेक्टर टू ऑल स्टेक होल्डर्स। द वेब पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन से आपके जो है डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसने यहाँ पे मिलके लॉन्च किया है इस पोर्टल को, वेब पोर्टल को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, एंड सेकेंड इज नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था, यहाँ पे आप इस पोर्टल का नाम देख सकते हो www.charak.chemical.gov.in, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर द इंडियन नेवी कंडक्टेड द एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ दैट इज HADR एक्सरसाइज चक्रवात 2023 एट डैश। तो ये आपके कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी आपकी गोवा में फ्रॉम 9th to 11th October, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो आपका HADR एक्सरसाइज जो है ये, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो 2015 में इसका जो है फर्स्ट एडिशन हेल्ड हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, 2016 से ये डिसाइड किया गया यहाँ पे कि ये जो एक्सरसाइज है इसे रोटेशनल बेसिस पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो कंडक्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, इस बार तो ये जो एडिशन था ये किसने आपका कंडक्ट किया था, इंडियन नेवी ने, जो प्रीवियस एडिशन था 2022 का जिसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका समन्वय, ठीक है, क्या नाम था, समन्वय 2022 इसका नाम था, जिसे आपका कंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, किसने कंडक्ट किया था, इंडियन एयरफोर्स ने, और ये आपका कंडक्ट किया गया था इन दी आगरा यूपी, ठीक है, कहां पे कंडक्ट किया गया था,
आगरा यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पोस्टल वीक इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डैश टू डैश। तो नेशनल पोस्टल वीक जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं 9th से 13th ऑफ अक्टूबर को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और कौन सा डिपार्टमेंट इसे ऑब्जर्व करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा नेशनल पोस्टल वीक होता है इसमें बहुत सारे डे जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे 9th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे, देन 10th ऑफ अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस विच इज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे, 11th ऑक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं फिलेट डे, देन 12th ऑक्टूबर को मेल्स एंड पार्सल डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 13th ऑफ अक्टूबर को अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next is which bank recently in October partnered with Social Worth Technology Private Limited which is Five और इसे पहले Early Salary भी बोला जाता था, जो एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है, to launch India's first ever numberless credit card। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्ड लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है, इट इज 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब विच इज पावर्ड बाय दी रूपे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कस्टमर है वो इजीली अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं यूपीआई से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये आपका नंबरलेस क्रेडिट कार्ड होगा, तो मतलब जो ये क्रेडिट कार्ड होगा इसमें कोई नंबर नहीं होगा आपका, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी, कोई सीवीवी नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल है इस कार्ड की डिटेल आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो फाइव मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है, इट इज फाइव मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब जो फाइव है, फाइव के आपके को फाउंडर एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अक्षय महापात्रा, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में, एंड इसे 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वहीं पे एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक के आपके सीईओ कौन है, इंडियन सीईओ, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी जो सब्सिडी है आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इन्हें रिसीव हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज डैश करोर फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल डिविजन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 300 करोड़ रुपीज का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है दिया गया है किसे, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को। अब यहाँ पे इन मंथ ऑफ मार्च जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने कमिट किया था कि ये 600 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट देंगे किसे, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है दिया गया है विच इज रुपीज 300 करोड़। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है करेंटली, इनका नाम है मुख्तार डियो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 2023। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ ट्रॉमा सेंटर एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स एट एम्स जोधपुर। सेकेंड स्टेटमेंट से पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टेट ऑफ आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग एट अ जोधपुर एयरपोर्ट बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 480 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ मल्टीपल जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स इन मांडला जबलपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट वर्थ रुपीज 2350 करोड़, ठीक है, इन मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज दे ऑल आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है अदर यहाँ पे इनिशिएटिव्स जो जो है लॉन्च किए गए थे, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द आईआईटी जोधपुर कैंपस टू द नेशन विच इज बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज मोर देन 1135 करोड़। सेकेंड इज पीएम डेडिकेटेड द पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू सेक्शन एंड इनॉग्रेट्स द बॉटलिंग प्लांट इन अ जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इज The PM Narendra Modi inaugurated more than 1,000 houses constructed under the Lighthouse Project in Indore, part of a Pradhan Mantri Awas Yojana Avan. Now next question is, name the bank that has extended the UPI services to NRIs to enhance banking convenience for its non-residential Indian clients through its mobile banking. तो answer यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it was extended by the Federal Bank, ठीक है, जिसका headquarter आपका कोची केरला में है, और इसके currently CEO कौन है, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन, क्या नाम है इनका, श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। अब यहाँ पे इनके मोबाइल ऐप का नाम भी आपको पता होना चाहिए जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज
फेड मोबाइल, फाइन। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेमेंट एग्रीगेटर गॉट द आईएसओ आईईसी 27001 2022 सर्टिफिकेशन, द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन स्टैंडर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो पेशा प्राइवेट लिमिटेड है, इसे ये पेमेंट एग्रीगेटर बनी है जिसे ये लाइसेंस यहाँ पे या सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। आप पेश आपकी बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में और करेंटली इसके सीईओ एंड फाउंडर कौन है, इनका नाम है कृष्ण कुमार मानी। क्या नाम है इनका? कृष्ण कुमार मानी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड पोस्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 9th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट टाइम इसे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1969 में, ठीक है। इसकी थीम देख लेते हैं, विच इज टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 नेविगेशन ग्लोबल डाइवर्जेंस, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज रेज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू -% इन 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इसे रेज किया गया है 6.3%, पहले से प्रोजेक्ट किया गया था 6.1%। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें 2024 की, तो इसे भी यहाँ पे कितना कर दिया गया है? 6.3% प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इंडियन एयरफोर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द 8th ऑफ अक्टूबर। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले हमने इस इंडियन एयरफोर्स डे को ऑब्जर्व किया था 1932 में, 8th अक्टूबर 1932 को, ठीक है। एंड इस साल 2023 में हमने इसकी 91st एनिवर्सरी जो है वो मनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे थीम की बात कर लेते हैं, तो इसकी थीम थी इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मोटो जो है एयरफोर्स का वो पूछा जा सकता है, विच इज नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसे हम टचिंग द स्काई विद ग्लोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम पूछा जा सकता है, विच इज वीआर चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। स्टैटिक चीज है, पूछी जा सकती है, फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना एनसाइन जो है वो चेंज किया है, ये आपका ओल्ड है, ठीक है, ये आपका न्यू वाला है जहाँ पे ये सिंबल जो है ऐड किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, विच प्लेयर वॉन द कतार ग्रैंड प्रिक्स 2023। सो रिसेंटली जो कतार ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, इससे किसने जीता था? तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज इट इज वॉन बाय द मैक्स वेरस्टैपेन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो आपके बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ठीक है। और कौन सी कंपनी के लिए ये कंपनी के प्लेयर हैं? तो रेड बुल के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद इंडियन आर्मी फॉर अपस्किलिंग एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एमओयू यहाँ पे साइन किया था इंडियन आर्मी के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम ने किया था, ठीक है। अब जो असम का स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इसके तहत स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ असम का, इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ जो है एमओयू साइन किया है फॉर अपस्किलिंग दी एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, फाइन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 10th ऑफ अक्टूबर को, और 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1992 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे थीम की अगर बात करें, 2023 की आपकी थीम थी मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इस डे को सपोर्ट किया जाता है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, विच इज WHMH, ठीक है। अब जो WHO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है टेक्सस USA में, ठीक है। नाउ एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल सिंबल है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का, वो कौन से कलर का है? तो इट इज ग्रीन रिबन, ठीक है। सिंबल क्या है इसका? ग्रीन रिबन, ये याद रखना है। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ है WHMH जो है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, या इसके जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो देख लेते हैं। जैसे सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? इनका नाम है गैब्रियल इबीजारो, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है नसर लाजो, जो आपके इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वहीं पे प्रेसिडेंट इलेक्ट की बात करें, तो ये इनका नाम क्या है? सुशोशी अकियामा, जो आपके जापान से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु टॉप्स द 12th एडिशन ऑफ हुरन इंडिया रिच लिस्ट रिलीज इन एसोसिएशन विद 361 वेल्थ। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो 12वां एडिशन था आपका हुरन
इंडिया रिच लिस्ट का, इसमें टॉप किसने किया है? तो अगेन इसे टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनकी वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ पूछी जा सकती है, इट इज 8,08,700 करोड़। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टॉप किसने किया था, मुकेश अंबानी जी ने, सेकंड नंबर पे थे आपके गौतम अदानी, थर्ड पे थे साइरस पूनेवाला, फोर्थ फॉलोड बाय शिव नाडर एंड फिफ्थ इज गोपीचंद हिंदुजा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हुरन इंडिया है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, विच इज अनस रहमान जुनेद, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब यहाँ पे आप जो है टॉप जो आपके 10 यहाँ पे लिस्ट में शामिल हुए थे इंडिविजुअल्स, उनकी फोटो और यहाँ पे आप जो है इनकी वेल्थ देख सकते हो। ठीक है, पांच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एंड 6 to 10 आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पे। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मनीष केजरीवाल जो है ये बने हैं पहले इंडियन प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिनकी नेटवर्थ है 3,000 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट इज यंगेस्ट इंडिविजुअल जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इनका नाम है काइवेला वोरा, जो जेप्टो के फाउंडर हैं। देन कौन से सेक्टर से यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से सबसे ज्यादा है, फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से। देन कौन सी सिटी है जिससे सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं लिस्ट में शामिल किए गए हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र, फिर दिल्ली के हैं और फिर बेंगलुरु के हैं। इसके अलावा राधा विमू जो है ये आपकी रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वीमेन बनी है इस लिस्ट में जो शामिल की गई है, एंड शी इज अ प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ जोहो। ठीक है, जिनकी नेटवर्थ कितनी है, इट इज 36,000 करोड़। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है रतन टाटा जी का नाम है। ठीक है, जो मोस्ट फॉलोड एंटरप्रेन्योर बने हैं इन अ इंडियन सोशल मीडिया। ठीक है, जिनके फॉलोअर्स कितने हैं, 12.6 मिलियन फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर। इसके साथ साथ गौरी शंकर अग्रवाल एंड फैमिली जो है ये आपके बिगेस्ट गेनर बनी है जो इस लिस्ट में शामिल की गई है, और इनकी वेल्थ कितनी बड़ी है, इट इज 321%, विच इज फॉलोड बाय महावीर प्रसाद जलान एंड फैमिली। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।